गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल राइट विद पवन। दोस्तों आज हम इस वक्त है मुरुड में और ये है यहाँ का लोकेशन। ये होटल का नाम है ग्रैंड मुरुड और यहाँ हम स्टे लिए थे रात को। हम तो यहाँ पे हम आ गए दोस्तों। यहाँ पे हमने लिया था डोमेट्री हमको पड़ा था 2500 रुपीज़ में। अच्छा था, क्लीन था, खाना भी उनका अच्छा है, उनके यहाँ रेस्टोरेंट भी है। रात को 11 बजे पहुँचे फिर भी खाना मिला हमको। बहुत सारा डिटेल है, रास्ते में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंजेस आया है। हम जाने वाले थे जंजीरा फोर्ट, तो सोचा पहले मुरुड बीच एक बार एक्सप्लोर करते फिर चलते जंजीरा फोर्ट। रीज़न ये है, हमने जो होटल लिया है, आप जो होटल लेते हो उसका चेकआउट टाइम जो होता है 11 बजे। हम सोचे पहले सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके चेकआउट करके फिर निकलते हैं मुरुड जंजीरा। तो इस ब्लॉग में आपको मुरुड बीच एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें हैं, बाहर क्या क्या फैसिलिटी है, खाने पीने का क्या है, लोकेशन कैसा है, तो ये सब मैं एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ के वाइब्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, संडे का व्यू कैसा होता है, धमाल कैसा होता है, आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा, ये सब एक्सप्लोर करेंगे इस ब्लॉग में। दोस्तों जैसा आप जानते हो मैं रहता हूँ कल्याण डोंबिवली के बीच में। अगर आपको न्यू मुंबई और डोंबिवली साइड से आना है तो हमने जो रोड चूज़ किया था वो रोड अलीबाग के थ्रू नहीं आए। हम जो मुरुड आना था हम गए थे, हमने रोहा से केलघर रोड यूज़ किया लिया था, जो कि हमको पड़ा 125 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने को रात का ट्रैवलिंग था, रात में पूरा अंधेरा था, गोप्रो सपोर्ट नहीं करता इसलिए कैप्चर नहीं किया मैंने रोड। बट अगर इस ब्लॉग में थोड़ा स्पेस मिलेगा मैं वो रोड कैप्चर करूँगा। 2-3 घाटी दोस्तों वहाँ से, इतने बेमस्त घाट है, मतलब इतने खूबसूरत घाट है दोस्तों कि वहाँ का व्यू कड़क, वहाँ के वाइब्स कड़क, मतलब अनएक्सेसिबल रोड है, थोड़ा सा लो एक्सप्लोर्ड रोड है, वहाँ पे नैरो रोड है, दो गाड़ी अगर पास होगी, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मोनो तो कार की बात कर रहा हूँ, दो कार पास होती है वो दो कारों के बीच में उनको ब्रेक लेना पड़ता है, एक को थोड़ा एक टायर नीचे लेना पड़ता है, इतना नैरो रोड है। मेरे बोलने का मतलब ये है तो आप समझ सकते हो वो रोड कैसा होगा। फुल झाड़ियाँ, नो गाँव, नो विलेज, नो होटल। मुरुड़ थोड़ा दूर है बट अगर आप फैमिली के साथ में आते हो बहुत अच्छा है। यहाँ के होटल्स अच्छे हैं, मतलब बीच एकदम क्लीन है, बहुत कुछ है यहाँ पे, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, तो ये सब बहुत एक चीज़ एक कम्बाइन चीज़ ना एक पैकेज बनाती है एक अच्छी ट्रिप का। और आप इंजॉय करो बस। सॉरी मुरुड़ बीच पे जा रहे, ये मुरबाड़ वाले ना मुरबाड़ आ रही है। तो वेल दोस्तों हम यहाँ पे मुरुड बीच पे है, ये खूबसूरत बीच आपका स्वागत करता है। मैं यहाँ आपको इसको दिखा रहा हूँ और ये है यहाँ का बेहतरीन लोकेशन। यहाँ आने के बाद जो दिल खुश होता है ना उसका कोई लेवल नहीं है, मतलब आपको ये दिख रहा है घोड़ा गाड़ी, घोड़े, डेड बाइक, बोट और ये मस्ती, ये यहीं मिलेगा। एक खूबसूरत लम्हा बिताने के लिए कुछ कदम तो चलना पड़ता है और कुछ कदम चलते ही वो खुशी मिलती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये एक सफ़र को कंप्लीट बनाती है, खुशहाल बनाती है। आपको यहाँ पे शौचालय भी मिलेगा। ₹100 रेट है इसका। साइकिलिंग भी है, एक नया इंट्रोडक्शन है बीच पे, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक लुक दिया है इसको, कपल्स के लिए मस्त बैठ के एक सुंदर राइड हो सकता है। कभी आया इधर पे ऐसा इंट्रोडक्शन कभी हुआ? ये 1-2 साल पहले हुआ। दोस्तों ये बीच पे देखने के लिए बहुत कुछ है आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ। ये सामने जो एक फोर्ट दिख रहा है और कहीं ना कहीं हमें इस साइड जाना है जहाँ पे हमको मुरुड जंजीरा फोर्ट दिखेगा।
आई होप ये यही रास्ता होगा जाने का। पता नहीं, अब मैं कभी गया नहीं हूँ, इसमें फर्स्ट टाइम, तो मे बी और मे नॉट बी, मैं सही हूँ गलत हूँ। पहले से तो पिक्चर का शूटिंग हुआ था ना, पुराना मंदिर का शूटिंग हुआ। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ मुरुड़ बीच है, यहाँ पे आपको अगर फैमिली के साथ आना है क्या है इसे मुरुड़ बीच, मतलब ये जो शांति है ना, ये हर कोई फैमिली मेंबर, हर कोई कपल्स, हर एक छोटा छोटा ग्रुप ये ढूंढता है कि हमको एक एक प्राइवेसी मिले और एक ऐसा लोकेशन मिले जहाँ पे थोड़ा सा वक्त एक पर्सनल बिता सके। बहुत ही ऑसम बीच है बस, मतलब ये यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं, हमारा जो होटल था उससे सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर है। ये सी बर्ड्स है ना, उनको एक बार उड़ा के देखते हैं फीलिंग क्या आती है और ये ब्लॉग में कैप्चर कैसे होता है, एक बार देखते हैं। चलो ये बर्ड मेरे अराउंड है, वाव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। बच्चा हेल्प हेल्प, हे मगामो, मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है ना तो ये सब करना पड़ता है सेटअप दोस्तों, कुछ कर नहीं सकते, इसका ऑप्शन नहीं है। बैटरी चेंज करना, लेंस चेंज करना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यस ये सब आप लोग के लिए। आदमी कितना ही बड़ा हो जाए पर बच्चों की हरकतें कभी नहीं छोड़ता। तो यहाँ से रुख्सत लेते हैं, मुरुड़ को अलविदा बोलते हैं और आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी आप कैप्चर हुआ है उस पर कमेंट करना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसको बताना हमें, नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फिर मिलते हैं। अच्छे नोट से एंड करता हूँ, अपना ख्याल करना, सलाम नमस्ते, खुदा हाफिज़ मिलते दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरा ये निकल गया दोस्तों, क्यों होता है उसका पता है नहीं, पर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है।